सड़क पर मारपीट करने वाले उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और तत्काल उनके इस्तीफे की मांग की है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बीच सड़क पर युवक के साथ हाथापाई का वीडियो वायरल होते ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने इसे सीधे आम आदमी पर सत्ता का हमला बताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और धामी सरकार व वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वित्त मंत्री का पुतला फूंका। मसूरी में कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि यह घटना लोकतंत्र के लिए एक बदनुमा दाग है, जहां सत्तारूढ़ दल के मंत्री आम जनता को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आलाकमान इस मामले का संज्ञान होने के बावजूद अनदेखा कर रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूर्व में भी प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा भर्ती घोटाले में उनका नाम आया था और धामी सरकार ने उस समय भी उनके जो अपराध थे उनको दबा दिया गया। और कल इतनी शर्मनाक घटना कि एक काबीना मंत्री सड़क पर उतरकर मारपिटाई करता है, एक आम जनता के साथ मारपिटाई करता है, जो कानून के रक्षक है वही भक्षक बन गए हैं। तो हमें भी उनसे अब यही सीखना होगा कि हमें भी अपनी लड़ाई सड़कों पर उतरकर लड़नी होगी। क्या यही संदेश देना चाहते हैं ये काबीना मंत्री? हम तो ये चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर पुष्कर सिंह धामी जी का तुरंत उनका मंत्रालय छीन लेना चाहिए और उनका तुरंत इस्तीफा लेकर उनको इस सरकार से बर्खास्त करना चाहिए। भाजपा की सरकार निरंकुश सरकार हो गई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। कल हमने सबने देखा, मसूरी की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने, किस तरीके से एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने मतलब हाथ उठा रहा आम आदमी के ऊपर। तो ये खुली गुंडागर्दी है। हम देख रहे हैं कि इनके ब्रजभूषण जो खेल संघ के अध्यक्ष भी हैं वो भी इसी तरह की गुंडागर्दी करते हैं। ना उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही, ना इनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई। तो भाजपा के जितने भी लोग हैं पदाधिकारी, ये निरंकुश हो गए हैं और जनता के लिए इनके मन में कोई भी जो है भाव नहीं रहा। अरे खुले गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से, इस पुतला दहन के माध्यम से कांग्रेस मांग करती है कि ये प्रेमचंद अग्रवाल तत्काल अपना इस्तीफा दें, ताकि जो है इस देश में कानून व्यवस्था सही तरीके से चल सके। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।